डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी इन जावा। आप पहले कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना। यदि आप जावा की डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए MySQL, Oracle, DB2, Ingress, Sybase या फिर किसी भी डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। जावा में आप किसी भी डेटाबेस को यूज़ करके डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन जावा के साथ ज़्यादातर MySQL यूज़ किया जाता है। आप Oracle सेकंड नंबर पर है। MySQL या Oracle, यदि आप इनमें से किसी से भी कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो जावा में जो स्टेप्स हैं वो सेम है, लाइब्रेरी सेम है, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट सुनिएगा। जावा का जो प्रोग्राम है वो आपका JVM के साथ में एग्जीक्यूट होता है। JVM जावा वर्चुअल मशीन उसको एग्जीक्यूट कराता है। JVM को समझ में आता है आपका बाइट कोड। अब MySQL की जो डेटाबेस वर्किंग है वो डिफरेंट हो सकती है, Oracle की डेटाबेस वर्किंग इंटरनली डिफरेंट हो सकती है। तो जावा जो है उसको कैसे पता चलेगा कि आप MySQL से कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, Oracle से कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, या फिर कनेक्टिविटी जो इंटरनल डेटाबेस की वर्किंग है वो किस तरीके की है? तो इसके लिए जितने भी डेटाबेस प्रोवाइडर्स हैं वो हमें एक कनेक्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम लोग जार फाइल के फॉर्म में रखते हैं। जार फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो उस जार फाइल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेटाबेस कनेक्टर। यदि आप MySQL से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको MySQL कनेक्टर चाहिए। आप Oracle से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, आपको Oracle कनेक्टर चाहिए। आप DB2 से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप DB2 कनेक्टर यूज़ करेंगे। और ये कनेक्टर्स आपको स्पेसिफिक डेटाबेस की वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। आप इनको गूगल करेंगे तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यदि आप MySQL आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो MySQL के जनरली मार्केट में दो वर्जन यूज़ किए जाते हैं। एक तो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट MySQL यूज़ किया जाता है और एक आपका XAMPP के साथ भी यूज़ किया जाता है। इस एग्जांपल के लिए हम लोग XAMPP MySQL यूज़ करेंगे। तो XAMPP में मेरे पास जो MySQL है वो मैंने स्टार्ट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि XAMPP आप लोगों ने यूज़ किया होगा, यदि डेटाबेस कनेक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं तो। और MySQL मैंने इसमें स्टार्ट किया, साथ में अपाचे यूज़ किया, जिससे कि हमारा PHP MyAdmin सक्सेसफुली वर्क कर सके। आप इसमें एडमिन पर क्लिक कीजिए, MySQL के आगे एडमिन पर आप क्लिक करेंगे XAMPP में, तो ये ब्राउज़र में इसका GUI इंटरफेस ओपन कर देगा, जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस में इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस की क्वेरीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। SQL क्वेरीज यदि आपको नहीं आती हैं तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने से पहले आप SQL की क्वेरी स्टडी करें, उसके बाद ही आप डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में सोचें। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं मल्टीपल डेटाबेसेस के नेम अवेलेबल हैं। ये वो नेम्स हैं जो डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब सपोज करो आप एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, जस्ट क्लिक हेयर डेटाबेसेस। ऊपर लिंक पर क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन आया क्रिएट डेटाबेस। यहाँ डेटाबेस के नेम पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे कि हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं DB2 क्रिएट। बाकी किसी ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करने की या डीसेलेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटाबेस DB2 हैज बीन क्रिएटेड। आप यहां देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो गया DB2। इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं है। ये सब काम हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके जावा के थ्रू परफॉर्म करेंगे। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉपरली हर चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम लोग जावा में जो पैकेज यूज़ करते हैं उसे कहते हैं SQL पैकेज। जावा में जो SQL पैकेज है उसकी क्लासेस यूज़ की जाती हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो यदि आप किसी भी प्रोग्राम में डेटाबेस कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो यू शुड यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस पैकेज, दैट मीन्स java.sql। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्रामिंग इज, सबसे पहले आपने जो डेटाबेस कनेक्टिविटी आप करना चाहते हैं उसकी आपने कनेक्टर फाइल डाउनलोड कर ली होगी। यदि आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। कनेक्टर फाइल आपके पास होनी चाहिए, जो जार फाइल जार फॉर्म में होती है, और उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो उसी जार फाइल के अंदर एक डॉट क्लास फाइल होती है, ड्राइवर फाइल, जिसे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्लास नाम की एक क्लास यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास, दिस इज नॉट द कीवर्ड, तो दैट्स व्हाई सी इज कैपिटल। इसमें एक स्टैटिक फंक्शन है फोर नेम, इसके अंदर आप पास करेंगे com.mysql.jdbc.driver। एग्जैक्टली com एक पैकेज है,
उसके अंदर MySQL पैकेज है, उसमें JDBC पैकेज है, उसमें ड्राइवर नाम की क्लास है। ये ड्राइवर क्लास आप यूज कर रहे हैं, जिसे आप मेमोरी में लोड कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहे हैं कि यू आर इंटरेस्टेड टू कनेक्टिविटी बट विद डेटाबेस यूजिंग MySQL। यदि आप ओरेकल यूज करना चाहते हैं तो यहां पर ड्राइवर अलग आएगा, DB2 यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राइवर अलग आएगा, SQLite यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राइवर अलग आएगा। लेकिन स्टेप सबके लिए यही होगा, क्लास डॉट फॉर नेम एंड द नेम ऑफ द ड्राइवर इन डबल कोट्स। क्लास नेम आपका कैपिटल से होगा, पैकेज नेम स्मॉल से होते हैं सारे। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, अब आपने ड्राइवर मेमोरी में लोड कर लिया है तो हमारे पास एक क्लास होती है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन फंक्शन के साथ में। ड्राइवर मैनेजर क्लास में एक स्टैटिक फंक्शन होता है गेट कनेक्शन, ये आपका डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करके कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो आप एक कनेक्शन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो उसकी रिटर्न टाइप कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट होती है, तो आप इसकी वैल्यू कनेक्शन को असाइन करेंगे। अब गेट कनेक्शन फंक्शन में तीन पैरामीटर पास किए जाते हैं, फर्स्ट डेटाबेस URL, सेकेंड लॉगिन, थर्ड पासवर्ड। बहुत ध्यान से समझना, देखिए आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं MySQL से या फिर आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं ओरेकल से, आपने ऊपर ड्राइवर लोड करके अपनी इंटेंशन तो बता दी, लेकिन आप कनेक्टिविटी करना किससे चाहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ऊपर हमने ड्राइवर तो लोड कर लिया है, यदि मैं दोनों ड्राइवर मेमोरी में लोड कर लूँ, MySQL का भी और ओरेकल का भी, क्योंकि ड्राइवर तो आप कितने भी मेमोरी में लोड कर सकते हैं, तो उस केस में आप कनेक्टिविटी किससे कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक डेटाबेस से डेटा लूँ और दूसरे डेटाबेस में डालूँ? तो मैं डेटाबेस यदि ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैं दो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहूँगा। इसीलिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन में फर्स्ट पैरामीटर आप पास करते हैं कनेक्शन URL, जिसमें हम लोग लिखते हैं JDBC, दैट मीन्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी विद डेटाबेस MySQL कॉलन डबल स्लैश। यहाँ आप लिखेंगे उस मशीन का IP एड्रेस या फिर नेम जिस मशीन पे आपका MySQL इंस्टॉल्ड है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि MySQL आप ही की मशीन पे इंस्टॉल है, तो आप यहाँ पे अपनी मशीन का IP एड्रेस लिखेंगे। आपकी अपनी मशीन का IP एड्रेस होता है 127 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर, आप कुछ भी लिख दीजिए वैलिड है, लाइक 127.25.21.24 एनीथिंग, 127 से स्टार्ट होने वाला कोई भी IP एड्रेस आपकी अपनी ही मशीन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं लूप बैक IP एड्रेस। जनरली यहां पर जो यूज किया जाता है, ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं 127.0.0.1 या फिर आप इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्लैश लगा के आप लिखेंगे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस हमने क्रिएट किया है DB2, तो उसका डेटाबेस का नेम आप मेंशन करेंगे। सेकंड पैरामीटर आप पास करेंगे लॉगिन, MySQL में डिफॉल्ट लॉगिन होता है रूट, और XAMPP में कोई पासवर्ड नहीं है तो मैं इसको एम्प्टी रखूंगा, ध्यान रखना है एम्प्टी रखना है, स्पेस भी नहीं देना। और यदि आप यूज कर रहे हैं इंडिविजुअल MySQL तो उसमें जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड दिया वो पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आपके इन पैरामीटर्स को यूज करके डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। यदि आपके सभी पैरामीटर्स सही हैं और डेटाबेस आपका स्टार्टेड है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डेटाबेस आपका स्टार्टेड नहीं है तो भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो आप ये ध्यान रखें कनेक्टिविटी करने से पहले डेटाबेस को स्टार्ट कर लें। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करने के बाद ये आपको उसका एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस में SQL की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब SQL की जो क्वेरीज हैं उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, सेलेक्ट एंड अदर देन सेलेक्ट। अदर देन सेलेक्ट इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, ड्रॉप एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड सेकेंड कैटेगरी इज सेलेक्ट। अब आप कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट आपको अभी मिला है, जिसका वेरिएबल नेम मैंने कौन लिया है यहां पे, तो उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, वी आर प्रिपेयरिंग आ स्टेटमेंट, और इस फंक्शन में डेटाबेस की आप क्वेरी पास करेंगे, जो भी SQL की क्वेरी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट क्रिएट ड्रॉप एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप SQL की क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप इसमें पास करेंगे, और ये आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रिटर्न करेगा। तो दैट्स वाई द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट,
क्लास ऑब्जेक्ट, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी, वेरिएबल नेम मैंने दिया है STMT, तो यहाँ पे इसने हमें स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है जिसको हमने पास कर दिया STMT को। अब यदि आपकी क्वेरी सेलेक्ट के अलावा कोई भी है, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, क्रिएट टेबल है, तो आप फंक्शन यूज करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। जस्ट यूज STMT मींस जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का नाम, एंड देन एग्जीक्यूट अपडेट। जो भी आपकी SQL की क्वेरी है वो डेटाबेस में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी यदि आपकी SQL में सिंटेक्स एरर नहीं है तो। अब लेकिन यदि आपकी सेलेक्ट क्वेरी है तो उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे, उसके लिए आप फंक्शन यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी। दिस इज ओनली फॉर सेलेक्ट कमांड्स, ओनली फॉर सेलेक्ट। एग्जीक्यूट क्वेरी की रिटर्न टाइप होती है रिजल्ट सेट। ये आपको रिजल्ट सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एक जनरल वे में बात करते हैं, आपने डेटाबेस में SQL की क्वेरी चलाई तो रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन यदि जावा का प्रोग्राम डेटाबेस में SQL की क्वेरी चलाएगा सेलेक्ट, तो रिजल्ट जावा के प्रोग्राम्स को मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। और जावा का प्रोग्राम हमारी तरह देख नहीं पाएगा तो वो उसे कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में सेव करेगा। वो बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, मल्टीपल रोज हो सकती हैं, तो दैट्स वाई द रिटर्न टाइप इज रिजल्ट सेट, द सेट ऑफ द रिजल्ट्स। अब यहां पर आपके पास तीन पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट, आपने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की उससे आपको एक भी रो नहीं मिलेगी, या शायद एक ही रो मिलेगी, या फिर मल्टीपल रोज भी मिल सकती हैं, तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वेरी। सपोज करो हम एक क्वेरी यूज करते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 3। एम्प्लॉय ID यूनिक होती है, दो एम्प्लॉयज की ID सेम नहीं हो सकती, तो यहां पर या तो मुझे रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम क्वेरी लिखें सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो उस केस में तो डेटाबेस में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी हमें मिलेंगी, तो मल्टीपल एंट्रीज भी आ सकती हैं। तो इसीलिए रिजल्ट सेट जो है वो सारी एंट्रीज अपने पास स्टोर कर लेता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज जो हैं वो क्या क्या है फिर से एक बार सुनना, 0, 1 और मोर देन 1। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी क्वेरीज हैं, कितने रिजल्ट हमें मिले हैं, तो उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट सेट जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका नल लोकेशन को पॉइंट करता है। अब हमारे पास इसमें एक फंक्शन होता है नेक्स्ट, जो ये रिटर्न करता है कि डेटाबेस में आपकी नेक्स्ट रो एग्जिस्ट करती है या नहीं। आप कहेंगे सर फर्स्ट पे लेगी तभी तो नेक्स्ट मिलेगी, अभी आप ध्यान दो, बाय डिफॉल्ट रिजल्ट सेट जो है वो नल लोकेशन को पॉइंट करता है, तो जहां वो नल लोकेशन पर है उससे आगे रिजल्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो हम इससे पूछते हैं। ये एक कर्सर की तरह वर्क करता है, इसकी रिटर्न टाइप होती है बुलियन। यदि आप जहां हैं उससे आगे नेक्स्ट रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यदि इसने ट्रू रिटर्न किया तो दैट मींस एटलीस्ट सिंगल रिकॉर्ड इज देयर। अब उस सिंगल रिकॉर्ड की आपको वैल्यू रीड करनी है तो आप रिजल्ट सेट का ही फंक्शन यूज कर सकते हैं गेट स्ट्रिंग, जिसमें आप इंटीजर में कॉलम नंबर पास कर सकते हैं। कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, ध्यान रखना इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होती है, नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है। इसकी रिटर्न टाइप होती है स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग को असाइन करेंगे या फिर आप यूज करेंगे, मैं सिग्नेचर वाइज इन्हें लिख देता हूं, गेट स्ट्रिंग, या फिर आप यूज कर सकते हैं इसी की ओवरलोडेड फॉर्म जिसमें आप स्ट्रिंग में कॉलम नेम पास कर सकते हैं और ये आपको उस कॉलम की वैल्यू रिटर्न करेगा स्ट्रिंग फॉर्म में। आप कहेंगे सर डेटाबेस में जो हमारे पास वैल्यू है वो तो इंटीजर है। देखिए डेटाबेस में वैल्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटाबेस में आप इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लॉट है, डबल है, डेट है, स्ट्रिंग में तो आप सभी कुछ स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए आप ये ध्यान दीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आपको यदि इंटीजर चाहिए तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं गेट इंट, जिसमें सेम आप कॉलम नंबर पास करें या फिर आप पास करें कॉलम नेम। इसी तरीके से यदि वैल्यू आपकी डबल है या फ्लॉट है तो आप गेट फ्लॉट फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस है, आप या तो कॉलम नंबर पास करेंगे या फिर कॉलम नेम पास करेंगे। थ्योरेटिकली मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको यहाँ तक आप 2, 3, 4, 5 बार यदि स्टडी करेंगे, समझेंगे वीडियो को बार बार, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।
अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं जहां हम लोग ये देखेंगे कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी किस तरीके से की जा रही है, एक एक स्टेप हम क्लियर करेंगे। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैंने क्या किया हुआ है। मैंने नेटबीन्स पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मैं एग्जाम्पल के लिए नेटबीन्स यूज़ कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट नेम इज जावा एप्लीकेशन 1। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट में कनेक्टर ऐड करेंगे। मैंने कनेक्टर डाउनलोड करके उसकी जार फाइल अपने कंप्यूटर में ई ड्राइव में सेव की हुई है। तो आप लाइब्रेरी पे जाएं, राइट क्लिक करें, सेलेक्ट करें ऐड जार। ब्राउज ऑप्शन गया, मैं ई ड्राइव में गया और देखिए यहां पे मैंने सेलेक्ट किया है MySQL कनेक्टर। तो जो MySQL का कनेक्टर है वो जार फाइल की फॉर्म में होता है। इसको आप ऐड कर लीजिए ओपन पे क्लिक करके, आप सेंड करके देख सकते हैं MySQL कनेक्टर शो हो जाएगा। यदि आपने कनेक्टर ऐड नहीं किया है तो आप डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। नाउ राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम, सेलेक्ट न्यू जावा क्लास, नेम ऑफ द क्लास सपोज A1, फिनिश क्लास, थोड़ा सा मैं फोन साइन कर लेता हूं। मैं आपको इंपोर्ट java.sql.com एक मेन बना लीजिए, सेट मेन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम फंक्शंस डेटाबेस में एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, तो जहां भी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करें आप ट्राई कैच जरूर यूज करें, ट्राई कैच। और बेटर होगा कि आप इस एक्सेप्शन को प्रिंट करा लें जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो अब मैं लिख रहा हूं क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट MySQL जेडी ड्राइवर, ड्राइवर फाइल मेमोरी में लोड कर लिया, देन ड्राइवर में डॉट गेट कनेक्शन विथ थ्री पैरामीटर्स JDBC कॉलन सेमी बनाएंगे, कॉलन लगाएंगे MySQL कॉलन डबल स्लैश 127.0.1/db2 नेम ऑफ द डेटाबेस, लॉग इन रूट पासवर्ड ब्लैंक, और ये हमें रिटर्न करेगा कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो एक कनेक्शन क्लास का वेरिएबल हमने लेके कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है, वो हमने रिटर्न करा दिया है। अब मैं डेटाबेस की क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो जस्ट यूज प्रिपेयर स्टेट फंक्शन, राइट एनी एसक्यूएल क्वेरी, इट रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हमने साइन कर दिया है। मैं यहां पर एक क्रिएट टेबल को क्वेरी लिखा हूं, क्रिएट टेबल EMP विद एम्प्लॉय ID, डेटा टाइप इंटीजर, प्राइमरी की एम्प्लॉय नेम वेयर कैट 20 एंड सैलरी इज सपोज फ्लॉट, डेजिग्नेशन वेयर कैट साइज 20। आप ध्यान रखें SQL की क्वेरी प्रॉपर होनी चाहिए, SQL की क्वेरी केस सेंसिटिव नहीं होती, आप स्मॉल में या कैपिटल में कैसे भी लिख सकते हैं। नाउ कनेक्शन इज रेडी, स्टेटमेंट इज ऑल्सो रेडी, जस्ट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट यूजिंग एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन। और कन्फर्मेशन के लिए एक मैसेज हम लोग डाल रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से टेबल क्रिएटेड। डेटाबेस में एक नाम से एक हो सकती है, दो टेबल नहीं हो सकती। तो यदि आप इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर देगा, लेकिन फर्स्ट टाइम इट विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली। जस्ट राइट योर प्रोग्राम एंड देन रन फाइल, आउटपुट विंडो में आउटपुट, हियर इज द आउटपुट मैसेज टेबल क्रिएटेड, दैट मींस आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और डेटा में टेबल क्रिएट हो गई है। बस इस प्रोग्राम को फिर से रन करो, आपके प्रोग्राम एक्सेप्शन यूज होगी और एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आप यह देख सकते हैं मैसेज आ रहा है टेबल EMP ऑलरेडी एग्जिस्ट, एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो आप एक काम से दो टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सपोज आप डेटाबेस में इंसर्शन करना चाहते हैं तो टेबल आपके पास ऑलरेडी है, एक नया क्लास हम बना लेते हैं। मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, मैं इसको दूसरे कोड में एज इट इज पेस्ट कर लूंगा। राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्लास नेम इज लेट A2,
फिर से कॉपी पेस्ट किया है, क्लास नेम चेंज कर दिया। अभी टेबल नहीं क्रिएट करना चाहता मैं, डेटाबेस में इंसर्शन करना चाह रहा हूँ, तो आप इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे लिख दीजिए, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम सैलरी एंड स्टेटमेंट क्रिएट किया, एग्जीक्यूट करा दिया। आप कहेंगे सर हमें एक और एंट्री करनी है, तो आप के नीचे फिर से सेम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, मैं थ्री एंट्रीज करने जा रहा हूं। हर स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट अपडेट लिखना मैंडेटरी है। आपका स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप एग्जीक्यूट अपडेट लिखेंगे। मल्टीपल क्वेरीज हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, एक क्वेरी लिखेंगे उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट। मैंने तीन मिशन परफॉर्म किए हैं, जस्ट राइट क्लिक एंड सेलेक्ट रन फाइल। अपडेट एडमिट पर क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ ईएमपी नाम की टिकट हो गई है। एम्प्लॉय आई एम्प्लॉय नेम सैलरी डेजिग्नेशन, कितनी एंट्रीज आई हैं, केवल एक 101। आप कहेंगे सर हमने तीन एंट्रीज की थी, आपने तीन एंट्रीज की थी लेकिन ये मत भूलिए जो मैंने टेबल क्रिएट की थी उसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया था और मैंने जानबूझ के कीज चेंज नहीं की हैं। आपकी एरर आएंगी लेकिन यदि क्वीज को आप चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ देख सकते हैं सिंटैक्स एरर, तो आप सिंटैक्स का ध्यान रखेंगे। मैं आपको एरर दिखाता हूँ कहाँ पर है, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज 101 राजीव कुमार 15,500 एग्जीक्यूटिव, ये फर्स्ट एंट्री प्रॉपर है लेकिन सेकंड एंट्री में हमने सिंगल कोट्स नहीं लगाया है मैनेजर से पहले। क्वेरीज का ध्यान रखें, एसक्यूएल की क्वेरी में यदि एरर है तो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट को हम लोग कमेंट कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड हमारे रिमेनिंग स्टेटमेंट से जिन्हें मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं। देख सकते हैं तीन एंट्रीज हमारी आ गई, राजीव कुमार, अमित कुमार, अंकित कुमार, सैलरी एंड डेजिग्नेशन। आप इंसर्ट करना है, डिलीट करना चाहें, अपडेट करना चाहें, क्रिएट टेबल करना चाहें, ड्रॉप करना चाहें, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कनेक्टिविटी करने के बाद आप स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद एग्जिट अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। अब सपोज आप डेटाबेस से डेटा रीड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट आप यूज करना चाहते हैं, क्रिएट अ न्यू क्लास, वैसे कोड को पेस्ट कर दिया है, क्वेरी चेंज करते हैं इस प्रोग्राम में हम। नाउ अवर क्वेरीज सेलेक्ट एस टेक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, हमने लिखा है सेलेक्ट एस टेक फ्रॉम एम्प्लॉयज, कितनी रोज हमें मिलेंगी, ऑल रोज, मेरे पास कितनी रोज है, थ्री रोज, तो दैट मीन्स यू विल गेट मल्टीपल रोज। सेलेक्ट के साथ आप फंक्शन यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन, हुज रिटर्न टाइप इज रिजल्ट सेट क्लास ऑब्जेक्ट। कितनी रोज है, मल्टीपल रोज। नेक्स्ट फंक्शन में यूज करूंगा हाउ मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, पहले फर्स्ट रीड करूंगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, कब तक, जब तक रिजल्ट सेट फंक्शन का नेक्स्ट फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करता रहेगा। दैट मीन यूज व्हाइल लूप rs.next, यदि rs.next फर्स्ट केस में ही आपका फॉल्स रिटर्न करता है तो दैट मींस आपकी क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक भी रो नहीं मिली है, आपका प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यदि इसने फर्स्ट केस में ट्रू रिटर्न किया तो आप फर्स्ट रो का डेटा रीड करेंगे, सेकंड केस में ट्रू रिटर्न करेगा तो सेकंड रो का, एंड सो ऑन। अब ये जिस रो को समय रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डेटा मैं स्ट्रिंग में रीड करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे जो कॉलम्स हैं उसमें मैंने डेटा टाइप इंटीजर भी ली थी, फ्लॉट भी ली थी, लेकिन मैं सभी को स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करना चाहूं। कॉलम नेम या कॉलम नंबर कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट में कॉलम नंबर यूज किया है 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 में मैंने नेम दे दिया है, कॉलम नेम रीड कर रहा हूं। कॉलम नंबर जो है वो यहां इंडेक्स नहीं है, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, 1 से स्टार्ट करेंगे। गेट स्ट्रिंग फंक्शन मैंने यूज किया, रिजल्ट मुझे स्ट्रिंग में मिलेंगे, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से इन्हें प्रिंट करा रहा हूं।
आप डेटाबेस कोडिंग यदि सीख रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पहले आता होगा। जस्ट द फाइल और नीचे आउटपुट विंडोज में आपके आउटपुट आएंगे, आप देख सकते हैं मल्टीपल आउटपुट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जितनी भी रोज मेरे पास हैं वो सारी आ गई हैं। थोड़ा सा फॉन्ट में इंक्रीज देता हूँ, आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज मुझे मिल गई हैं 101, 102, 103 एंड सो ऑन। तो यदि आप डेटाबेस से डेटा रीड करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे सेलेक्ट क्वेरी। इस केस में आप एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन यदि आप सेलेक्ट के अलावा कोई और क्वेरी यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट, इंसर्ट डिलीट अपडेट, कोई भी। एक्सेप्शन प्रिंट कराएं हमेशा, बेटर रहेगा। यदि आपके प्रोग्राम में आपसे कुछ गलती है तो स्क्रीन पर आपका मैसेज आ जाएगा कि आपने गलती कहाँ की है। किसी भी प्रोग्राम में कनेक्टर को ऐड करना नहीं बोलेंगे आप। यदि आपने कनेक्टर ऐड नहीं किया तो डेटाबेस से प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप ओरेकल से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो जस्ट चेंज दीज टू लाइंस ओनली, क्लास डॉट फोन नेम एंड ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। बाकी सारे कॉन्सेप्ट, सारी क्लासेस की वर्किंग सेम रहेगी, इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। मुझे उम्मीद है डेटाबेस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इनको यूज़ करके अपने AWT या स्विंग में यूज़ कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। डेटाबेस में बहुत आसान कॉन्सेप्ट जावा ने दिया है, कहीं भी कुछ मुश्किल नहीं है। बस प्रॉपरली कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पैकेज यूज़ करना है और आपको SQL की क्वेरीज प्रॉपरली आनी चाहिए। डेटाबेस की यदि नॉलेज आपको नहीं है तो आप डेटाबेस कनेक्टिविटी बाद में सीखें, उससे पहले आप SQL की क्वेरीज की प्रॉपरली प्रैक्टिस करें। सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड क्रिएट, ये टेबल्स की क्वेरीज तो आपको आनी ही चाहिए, उसके बाद ही आप कनेक्टिविटी के लिए यदि जाएँ तो बेटर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी नया वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।